हम लोगों ने काफी Node.js के कॉन्सेप्ट्स को देखा। आज की इस वीडियो में हम उन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्लटर को क्लियर करेंगे एक फोल्डर में। मैं आप लोगों को समझाऊंगा क्वेश्चन क्या है और फिर आप लोग उसको सॉल्व करना, और जो भी सॉल्व करेगा उसको मैं शाउट आउट दूंगा। आप बस इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में चैलेंज एक्सेप्टेड जरूर लिखना। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। लेट्स रोल द इंट्रो। तो गाइस, सो फार हमने 90 वीडियोस किए। आज की जो एक्सरसाइज है ना, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करेगी कि किस तरह से आप लोग एक फोल्डर के क्लटर को क्लियर कर सकते हो। तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने, मैं इसको VS कोड में खोलता हूँ और आप लोगों को प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक index.js बना लूँगा, index.js, और यहाँ पर index.js बनाकर मैं लिखता हूँ, यू हैव टू राइट अ Node.js प्रोग्राम टू क्लियर clutter inside of a directory and organize the contents of the directory into different folders। ठीक है, तो क्या होगा कि आपके folders हैं, for example these files become, मान लो हमारे पास एक फाइल है, एक है name.jpg, और फिर मान लो हमारे पास है name.png, और फिर मान लो हमारे पास है एक this.pdf, फिर एक मान लो हमारे पास है harry.zip, फिर मान लो हमारे पास एक है मान लो rohan.zip, एक मान लो हमारे पास है cat.jpg, ठीक है। तो क्या होगा कि इन सब का एक फोल्डर बन जाएगा, बिकम्स फाइल्स, बिकम क्या बन जाएंगी ये फाइल्स, दिस। और मैं एक काम करता हूँ, इसको यार मल्टी लाइन कमेंट्स में डाल लेता हूँ ताकि सही से कम हमारी प्रेजेंटेशन रहे। तो क्या होगा, ये सारी फाइल्स बन जाएंगी, ये इसमें क्या होगा, jpg नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और name.jpg उसके अंदर आ जाएगी, और उसी के साथ साथ jpg के अंदर आएगी cat.jpg, ठीक है, cat.jpg। तो बेसिकली क्या है, हर एक्सटेंशन का एक फोल्डर बन जाएगा, कुल मिला के बात ये है। अब इस प्रॉब्लम को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि आप उस फोल्डर में देखो कौन कौन सी एक्सटेंशन है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इस फोल्डर के अंदर कौन कौन सी एक्सटेंशन मौजूद है, फिर उन एक्सटेंशनों का आप फोल्डर बनाओगे, फिर आप कलेक्ट करोगे फाइल्स को और डालोगे करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स में। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि यार ये तो मुश्किल सवाल है, ये क्या दे दिया आपने भाई, लेवल बढ़ रहा है, अब लेवल बढ़ा लो, ठीक है। name.png हो जाएगा हमारा png/name.png, तो यहाँ पर हो जाएगा png/name.png, और कोई png है नहीं। फिर एक zip का फोल्डर बनेगा zip/harry.zip, और एक बनेगा zip/rohan.zip, और ये क्या आ गए भाई, ठीक है, rohan.zip। तो ये सारी फाइल्स कलेक्ट हो जाएंगी। एक pdf का भी बनेगा फोल्डर, तो pdf से मतलब आप समझ गए। अब अगर यहाँ पर एक और pdf होती, सेवन मान लो एक होती harry.pdf, तो वो भी यहाँ पर आ जाती इस pdf फोल्डर में। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हर एक्सटेंशन का एक फोल्डर बना रहे हैं, और उस फोल्डर को बना के हम क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर डाल दे रहे हैं ये फाइल harry.pdf, this.pdf। तो कुल मिलाकर ऑर्गेनाइज हो जा रहा है हमारा क्लटर। होता है ना, आपका डाउनलोड फोल्डर खोल के देख लेना आप लोग खुद ही अपना कैसा है, आपको भी पता है। तो उसके अंदर फैली हुई होती हैं फाइल्स। अब क्या होगा कि इस तरह से वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी। ऑर्गेनाइज करने का एक क्राइटेरिया और भी हो सकता है कुछ और, कि भाई मान लो किसी फाइल के नेम में कोई चीज़ आ रही है, अगर आपके पास बहुत सारी लॉग फाइल्स हैं तो आप डिटेक्ट कर सकते हो उनको, लॉजिक लिखो उसके हिसाब से। बट फॉर द सेक ऑफ दिस एक्सरसाइज आप ये प्रोग्राम लिखो index.js। आई होप कि आपको मज़ा आएगा इस चैलेंज में। अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको एक्सेस करके या क्लिक करके बुकमार्क करना या क्लिक करके सेव करना। अब तो कोई सिग्मा बैच ओपी भी नहीं लिखता कमेंट में, बहुत कम लोग देख रहे हैं। हम काफ़ी दूर आ चुके हैं, समाप्ति की तरफ हैं। उसके बाद भी मैं कहूँगा काफ़ी कुछ रह गया है, अलॉट इज़ येट टू कम। तो देखते रहो वीडियोज़ को, बट बहुत कम लोग देख रहे हैं। बट हैं ऐसे लोग जो कि कंसिस्टेंटली अभी भी देख रहे हैं, बट स्टिल आई एम हैप्पी कि यार हम इतनी दूर आए और हम और आगे जाएंगे यहाँ से। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।